मध्य प्रदेश भाजपा के इस दिग्गज नेता को राज्यसभा में मिलेगा बड़ा पद। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के इस दिग्गज नेता को राज्यसभा में मिले जाने वाले नए पद के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें और यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुँच पाए और आपसे लाभान्वित हो सके। पसंद आए लाइक करें और ऐसे लोगों तक शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता को राज्यसभा में बड़ा पद मिलने जा रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से इसमें 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट भाजपा को मिलना तय है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कार्यकाल खत्म होने को है और प्रभात को राज्यसभा की जिम्मेदारी उनके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहने के से ज़्यादा उनके मीडिया प्रभारी के रूप में प्रदेश भाजपा में उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के चलते मिली थी। इसके चलते यह तय माना जा रहा है कि मीडिया के से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस पद का दावेदार हो सकता है। यह भी संभावना है कि प्रभात झा को तीसरी बार राज्यसभा की जिम्मेदारी मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्टी की ओर से डॉक्टर हितेश वाजपेयी एक योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक भाजपा के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हितेश वाजपेयी का राजनीतिक करियर निष्कलंक रहा है और मीडिया प्रभारी रहते हुए उनके समय पार्टी में जो ऊंचाइयां छुई वह सर्वविदित है और विशेषकर सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रदेश भाजपा को एक नए आयाम तक ले जाना डॉक्टर वाजपेयी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। विजेश लुणावत की जी भी एक बड़ा चेहरा है जो इस पद के लिए उपयुक्त हैं। वाजपेयी भी इनके निर्भीक और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ उनका सामंजस्य काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ मीडिया के लोगों से भी उनकी स्वीकार्यता किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले कुछ सालों से भाजपा के शांत और शालीन चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए रजनीश अग्रवाल भी इस पद के लिए महत्वपूर्ण दावेदार हो सकते हैं। रजनीश के कम समय में ही अपने वाक पाटुता और विषय पर पकड़ के चलते अपनी एक अलग ही छवि बना ली है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ अन्य प्रवक्ताओं की दृष्टि भी इस सीट पर कड़ी हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान की तय करेगा।